Hello, Namaskar, and welcome once again to our show In Our Teens, a show that brings together parents, teenagers, and experts to help us understand the remarkable journey of teenage. हमारे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे मिसेस बीनल सोनी से, जो एक करियर काउंसलर है, जो हमें ये बता रही थी कि हमारे बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग कितना महत्वपूर्ण है. करियर जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव है. इसे चूज करते वक्त काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कभी कभी हमें राइट गाइडेंस तक नहीं मिलता. इसीलिए एक करियर काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आइए इस एपिसोड में मिसेस बीनल सोनी के साथ करियर काउंसलिंग के ऊपर हमारी बातचीत जारी रखते हैं. मैम, सबसे ज़्यादा कोविड के बाद ये हो गया कि पहले हमें हार्ड कॉपी फॉर्म्स मिलते थे. हाँ, तो हम जब एडमिशन फॉर्म्स भरते थे या यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भरते थे तो चार लोगों को पूछ के कभी कुछ समझ में नहीं आता था, करते थे. लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया है, उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज बढ़ गई हैं. करेक्ट. तो जो पेरेंट्स वेल वर्स नहीं है, जो बच्चे कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बी इट फॉर एग्जाम्स, बी इट फॉर यूनिवर्सिटीज, बी इट फॉर कॉलेज सिलेक्शन, करेक्ट, जब होता है, तो क्या मेजर चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहेंगी आप? सो मेजर चैलेंजेस बच्चे ये फेस करते हैं कि वो उनको पता नहीं होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है. ओके, द बेस्ट पार्ट इज दैट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी गिव्स यू द नोटिसेस एंड द सर्कुलर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, हिंदी में आता है, मराठी में आता है, इंग्लिश में भी आता है. इसकी क्या कोई कॉमन वेबसाइट है? हाँ, कॉमन वेबसाइट है, जो सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है. वहाँ पे जो भी सर्कुलर्स आते हैं, यू हैव टू रेगुलरली कीप ऑन चेकिंग दैट व्हिचएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल. ओके, एडिशनली क्या है कि वहाँ पे देयर इज अ हेल्पलाइन प्रोवाइडेड. यस, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड दैट विद अ लॉट ऑफ स्केप्टिकल माइंड. बट काम करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, कोई फोन उठाएगा कि नहीं, बट आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज दैट दो रिंग में फ़ोन उठाया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, एंड इट एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज. एंड दे ऑल्सो आस्क्ड मी फॉर अ फॉलो अप दैट इफ यू वॉन्ट टू चेक बैक अगेन और यू वॉन्ट अस टू कॉल यू बैक एंड अंडरस्टैंड इफ एट ऑल यू हैव एनी डिफिकल्टीज. दो आई डोंट हैव दैट रिक्वायरमेंट, बट दे डिड दैट. सो आई फील दैट सपोर्ट इज अवेलेबल. ओके, ओके. सो फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी अ लिटिल सीरियस और श्योर, और आई वुड से अलर्ट इज अ राइट वर्ड, that what you are doing, you know, very, because it's a very crucial step. Correct. Particularly एक होता है कि कॉलेज हमारे सबके दिमाग में एक ड्रीम कॉलेज. ड्रीम कॉलेज नहीं, वो बॉलीवुड वाले कॉलेज. हाँ, तो ये कॉलेज मैंने टी वी में देखी थी या पिक्चर में देखी थी, तो मुझे यहाँ जाना है. बट वॉट हैपन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रियलिटी चेक दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. यस, बहुत बार ये होता है कि हम सपनों की दुनिया में रहते हैं, मल्टीपल राउंड्स होते रहते हैं एडमिशन प्रोसेस के, और आपको एडमिशन नहीं मिलता है. करेक्ट. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट कम इन अलाइनमेंट विद व्हाट दे हैव स्कोर्ड एंड वेयर दे वांट टू बी. दे हैव स्टिल नॉट गॉट एडमिशन, देयर इयर्स हैव गॉट वेस्टेड. यस. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट डू अ रिसर्च. जो क्या होता है कि व्हाट इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी डज और द एडमिशन बोर्ड डज, दे प्रोवाइड यू अ कट ऑफ लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर. पर ये पहले से ही दे देते हैं, पहले से ही दे देते हैं, क्योंकि उनके पास वो रेडी है. तो यू शुड हैव योर लिस्ट ऑफ 10 कॉलेजेस सिलेक्टेड बिफोर यू नो यू आफ्टर यू गेट द रिजल्ट्स, बिफोर फिलिंग द फॉर्म. करेक्ट. सो डेफिनेटली फर्स्ट आप रखो जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है कि शायद अगर मिल जाए तो, लेकिन देन बाय द फ्रॉम द सेकेंड रैंकिंग यू शुड कम गेट रियल, यू नो, यू गेट इन द रियलिस्टिक मोड कि भाई ये मुझे मिलेगा कि नहीं. सो हैव अ प्लस माइनस ऑफ 20 मार्क्स where you feel that okay, अगर मुझे ये college में मिल गया तो then this is good enough. So it's very important that you keep on checking. There is the list is right there. Yeah. And it's very simple. मतलब helpful होता है. Very helpful. Very simple to download information and find it also. Okay. Okay. Yeah. But जो बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे मायूस होते हैं, कभी कुछ सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला, अब तो मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा होता है? ऐसे केसेस देखे हैं आप? होते तो है. मोर देन स्टूडेंट्स आई थिंक वो एक पेरेंट्स का भी एक वो हो जाता है कि अरे इसने तो उसकी उसके लिए तैयारी की थी, अब ये नहीं हुआ, अब क्या करें. तो तब जाके बच्चे क्या करते हैं कभी कभी, ये ज़्यादा करके टेंथ में नहीं होता, बट ये इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स की बात होती है. यस, यस, दैट दे अपीयर्ड बट दे डिड नॉट स्कोर वेल. सो देन व्हाट डू यू डू? डू यू जस्ट मूव ऑन और क्लोज द बुक्स एंड जस्ट गेट इनटू डिप्रेशन? डोंट. व्हाट यू नीड टू डू इज ट्राई इट वन मोर टाइम. यस. How about
being open to taking a drop year and dedicating one complete year to reaching what you want. Correct. Give yourself one more try. What's the big deal? अगर आप 80 साल जीने वाले तो सोचो मैंने सिर्फ 79 years जिए. Correct. लेकिन you have tried, no, for the yes. second time. Yes. What is the problem? अगर एक साल आपने गैप ले लिया तो आपका कोई जॉब इफेक्ट नहीं होता. Correct. कोई कॉलेज आपको मना नहीं करता. कोई इवेंचुअल करियर प्लानिंग में ये डिफिकल्टी नहीं आती कि यहाँ एक गैप ईयर है. लेकिन सोसाइटल प्रेशर होता है. बिल्कुल. जो सबसे बड़ा होता है. सबसे बड़ा होता है. बट आई फील दैट rather than the child thinking at every stage in life के काश मैंने एक और try कर लिया होता. Yes. क्योंकि क्या होता है कि जब आप 12th में होते हो तो आपको दो चीज़ों की तैयारी करनी होती है. एक तो आपको बोर्ड्स की देनी होती है और आपको अपनी एंट्रेंस एग्जाम की देनी होती है. Isn't it okay to give the child one more year where हाँ फर्स्ट ईयर आप प्रॉपरली बोर्ड्स दे दो, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ एंड देन सेकंड ईयर में अगर नहीं होता है आपको तो एक और बार शॉट दे दो. Yes. And give yourself one more shot and see how it goes. Yeah. They have made the process also that way that you are allowed 3 attempts. Yes. Why would they do that? Because they know the caliber of the examination. Correct. कि tough है. Tough है, बिल्कुल है. और बच्चे लेते भी हैं. बच्चे लेते. तो कुछ बच्चे तो voluntary मैम ले लेते हैं second chance. कुछ बच्चे confusion में बस बैठ जाते हैं. Yeah. मतलब मैं बताना चाहूँगी मेरी पहचान के एक थे जिनकी बेटी, उसको block आ गया था, mental block. कि अब क्या करने का पता ही नहीं है. हो जाता है ऐसे. हमें भी आता है कि अब क्या करें. यू नो प्रोबेबली यू थिंक कि हम एक डेड एंड पे पहुंच गए हैं, बट मे बी दैट्स नॉट द डेड एंड. बट एक मेंटल प्रेशर आता है, मेंटल ब्लॉक आता है. तो उसने एक साल का ब्रेक ले लिया था, पर उस एक साल में भी वो उसे ये आंसर नहीं मिला था कि उसे क्या करना है. तो क्या आप ऐसे बच्चों से मिलती हैं जिन्हें एक ब्लॉक आ जाता है और फिर सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है और वो एक सही करियर डिसीजन नहीं ले पाते? ब्लॉक आता तो है डेफिनेटली, और आई थिंक ये हर एक स्टेज में आता है. मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा. कभी डर लगता है कि बस मुझे आई नीड अ ब्रेक, आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, आई काइंड ऑफ एम डन विद एवरीथिंग. इट इज़ वेरी नेचुरल. एंड फॉर अ चाइल्ड हु 12th और सारी चीज़ें साथ में कर रहा है और गोल नहीं है तो काफ़ी ब्लर्ड विजन लगता है. बहुत बार क्या होता है, हम जब बच्चों को बड़े करते हैं ना तो हम कहते हैं अरे तुम्हारा 10th है. yeah. अरे तुम्हारा 12th है. ऐसा कुछ नहीं है. रिलैक्स, इट इज जस्ट 10 ईयर. यस. ओके. इफ वी क्रिएट मेक दीज थिंग्स लार्जर देन लाइफ, लाइक इसके बाद ही सब कुछ. करेक्ट. मतलब ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है. यू इट इज जस्ट अ टेस्ट टू अंडरस्टैंड और अदर अ माइलस्टोन कि ये यहाँ की इसके बाद आप क्या कर सकते हो. करेक्ट. So that's where the child also feels that okay, this is just an examination. This is not my deciding factor. Correct. Okay. हम शादियाँ दो बार करते हैं तो हम 10th और 12th को इतनी अहमियत. Yes. Yes. Life, children are on the verge of suicide. Yes. Where they have not been able to. If you see what has happened in the quota. Yes. Right. It is so troublesome. People feel that engineering. Quota and off late a teenager in Pune. Yeah. So many cases just which are coming in. Yeah. So I feel that. It is important that you understand that engineering and medical are not the end of the world. Yeah. Okay. There are so many options related to that also. If you talk about engineering, agar engineering mein nahi milta admission, so what to do? There is BSc IT. There is, after that you can get into programming. There is BSc stats. After that you can get into data analytics. Eventually aap wohi karne wale ho, right? If you want to do medicine, there is BSc in genetics, BSc in psychology. BSc in ecology, BSc in respiratory handling, BSc in emergency cardiac handling. Yes. So all of these are available in the same, parallel career options also. So what happens is that one is definitely you give yourself another shot, but that definitely is not the end of the world. There are other options available in the same choices which the child can look at. तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि जब आप एक break लेते हो. बहुत बार ऐसा होता है कि अभी मुझे नई शुरुआत करनी है. दे वॉन्ट टू गिव मी टू थिंक. कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो बस ब्रेक लेते हैं और दे जस्ट काइंड ऑफ जस्ट वेस्ट दैट टाइम और आगे कुछ बढ़ नहीं पाते इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो कंप्लीट ब्रेक मत लो. लर्न सम स्किल्स, कुछ भी. इट कुड बी ड्रॉइंग, इट कुड बी एक्टिंग, इट कुड बी थिएटर, इट कुड बी स्पोर्ट. वो टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ. When you constantly feel aligned कि मैंने ये क्यों किया है. Correct. And look within. Correct. It's very important. Yes. Yeah. Because हम भी अगर constant काम करते हैं तो हमें एक break की ज़रूरत पड़ती है. होता है boredom. It is very natural.
rather than feeling rejected कि ये मुझे क्यों हो रहा है, understand what is your brain trying to tell you. We constantly have to be aware of what is happening rather than just taking things on the fly. Yeah. So I feel that it is okay if you feel bored, but talk to people. Is it necessary? How can I find a solution with my problem? आप वही problem को अगर creep करते एक next एक साल में भी वही रहोगे तो it is not going to help. करेक्ट. जैसे कि मैंने कहा मैम, बाकी सब प्रेशर्स तो ठीक है, बट माँ बाप आते जाते अभी चार लोग क्या कहेंगे, यू नो, आपने ब्रेक ले लिया, अब मतलब दुनिया खत्म हो गई. तो उस बेसिस पे मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपने बोलते बोलते कह दिया कि आप मैथ्स में फेल होती थी, लेकिन फिर 800 के बाद यू पिक्ड इट अप. आपने शायद डिसाइड किया होगा कि नहीं, ये करना ही पड़ेगा, तो इसे किसी और एंगल से मैं ट्राई करती हूँ. सो व्हाट वुड यू टेल योर 20 ईयर ओल्ड सेल्फ नाउ दैट यू हैव अ करियर, जिस करियर से आप निकले थे वो करियर छोड़ के आपने कंप्लीटली डिफरेंट करियर चूज कर लिया, आज आप इस स्टेज पे हैं, तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या बताना चाहेंगी? जब हम 18-20 इयर्स होते हैं तो प्रेशर होता है केटीज का, प्रेशर होता है सेकेंड अटेम्प्ट का, प्रेशर होता है राइट चॉइसेस का. तो आज जब आप अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, तो आप अपने यंगर सेल्फ से क्या बोलना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि लिव द डे. आई वुड से टू माई सेल्फ दैट मैंने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया, सो यू बेटर ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. अगर मैंने तभी एक्सप्लोर किया होता पब्लिक स्पीकिंग, तभी मैंने शायद अगर एक्सप्लोर किया होता कोई साइकोलॉजी की बुक लेके पढ़ ली होती या किसी और लोगों से बातें की होती, तभी आई वॉज वेरी मच इन माई सर्कल, माई फैमिली, कपल ऑफ फ्रेंड्स, और मेरी दुनिया ही वही थी. करेक्ट. तो मुझे और इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी. सो नाउ आई फील दैट अगर we have internet, we have AI, we have people who are so knowledgeable, we have career counselors, we have career counselors, absolutely. So which where you can go and talk, yes. Yeah, where you can seek help. There are a lot of information available on the internet. I would not say everything is true, but there are ways to find it out also, you know. There are, now you can visit colleges, and where there are counselors in the colleges also who tell you what are different options possible. In school also now, yeah, they provide. Absolutely, every school has a career counselor now, more often than not. Yeah. But it's important that you talk. So, yeah. मैंने बहुत बार, मुझे लगा था कि शायद मैं ये अच्छा करती हूँ, लेकिन इसमें करियर है कि नहीं, 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 पापा क्या बोलेंगे, will this give me money? Yeah. तो ये जो क्वेश्चंस है ना, क्या मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मैं घर गाड़ी खरीद पाऊंगी? हाँ. वो बहुत इम्पोर्टेंट पैसा चाहिए. Yes. So, ये मुझे क्वेश्चन थे, लेकिन ये आते थे मेरे अंदर और मर भी जाते थे मेरे अंदर. मैंने कभी किसी को पूछा ही नहीं. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू आस्क, टॉक, एक्सप्लोर. एंड आई नाउ लुक बैक नो दैट मैं तो इतने सारे लोगों को जानती थी जो मुझे ये शायद बता सकते थे, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं. करेक्ट. मैम, एज अ करियर काउंसलर आप बहुत सारे बच्चों से, पेरेंट्स से मिलती होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सुनती होंगी. आई एम श्योर काउंसलिंग सेशन 45 मिनट्स टू 1 आवर का होता है. तो फिर आप अपने आप को, आई मीन वी आर ह्यूमंस, सो किसी की कहानियाँ सुन के हम अफेक्ट तो होते हैं. Right. तो आप कैसे अपने आप को क्लेंस करके अगले दिन के सेशन के लिए रेडी रहती है? माइंड क्लेंसिंग टेक्निक क्या होता है आपका? सो दिस इज इंटरेस्टिंग. मेरे लिए ये एक्चुअली माई वर्क इज एक्चुअली माई क्लेंसिंग. ओके. Additionally, what I do is read and relax. I sleep really well. Okay. So that is very important for me. And exercise, I think, should be a part of everybody's life. Yes. Where, you know, the right hormones are released in your body. Yes. Where automatically you feel ready for the next day. Your self-esteem increases. Your yes. confidence increases. So these are the little things, I think, which helps me, you know, make sure that I'm on the right track. And of course, I really love what I do, and that brings a spark in me where I feel that yes, आज किसी की दुनिया बदलेंगे. Yes, yes. I think जब एक motive होता है और एक liking होती है अपने काम की तरफ, I think that's the best phase that you are in. Yeah, it's so beautiful actually to see that spark in the child's eye, that wow, you showed me a direction. That is, I think, more rewarding to anything as compared to, you know, money or success. Yes, or anything. Yes, it's making someone's life. बट क्या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मैम की जो बहुत कोशिशों के बावजूद भी उस लेवल तक नहीं जा पाते? हाँ, होते हैं. उनके लिए एक कॉन्स्टेंट हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, वेयर एक काउंसलर उनको रेगुलरली मिलते हैं. ऐसे नहीं कि एक सेशन मिले और फिर टाटा बाय बाय. उनको चाहिए कि रेगुलरली आप मिले, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाइए. नहीं पहुँच पाते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एक काउंसलर एक फाइंड करे कि ये बच्चे की ये दिक्कत है,
हाउ कैन यू सपोर्ट? कभी कभी टीचर्स का प्रॉब्लम होता है, कभी घर के चैलेंजेस होते हैं, तो थोड़ा सा एक पर्सनल काउंसलिंग, एक एडिशनल बिहेवियरल काउंसलिंग आप अगर उनको हेल्प करें. बहुत बार ये भी होता है कि उनका सब कुछ सही है, जस्ट दैट वो टाइम नहीं दे पाते बिकॉज उनका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सेल फोन्स एंड स्क्रीन टाइम्स इज वेरी मच हाई. तो हाउ डू यू टीच देम टू हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट व्हेन यू गेट बोथ? करेक्ट. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से टाइम पे स्क्रीन देखनी चाहिए और कौन से टाइम पे नहीं देखनी चाहिए, राइट? व्हेन योर ब्रेन इज वेरी एक्टिव यू वुड नॉट वांट टू वेस्ट दैट एनर्जी फॉर जस्ट वॉचिंग स्क्रीन. तभी आप कुछ प्रोडक्टिव कर लो. एंड द विनिंग पार्ट इज कि ये किसी और को बोलने की जरूरत ना पड़े. जब बच्चा खुद सेल्फ रेगुलेट करना सीख लेता है, आई थिंक दैट्स वेयर यू विन इट. बिल्कुल. जस्ट एज अ काउंसलर आई फील दैट आपको उनको कुछ टास्क देने होंगे जहाँ पे वो ये चीज़ों को समझे. उनको करना है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो लोग आलसी है या नहीं कर रहे हैं या लेजी है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हें दिशा दिखाएं. इफ़ यू शो देम द वे, आई एम श्योर एवरी चाइल्ड वुड वांट टू गेट देयर. यस यस. सो इट जस्ट नीड दैट वार्म, दैट वार्मथ एंड दैट कंपैशन दैट इट्स ओके व्हाट यू आर फीलिंग, बट देयर हैज टू बी अ वे आउट एंड दैट्स व्हेयर यू गाइड देम व्हाट दे कैन डू डिफरेंटली. करेक्ट करेक्ट. सो मैम, ऐसे बच्चे जब ऐसे बच्चे और उनके पेरेंट्स जब एक सोचते हैं कि हमें करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए, सो आप एक करियर काउंसलर हैं, तो उन्हें करियर काउंसलर में ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स देखने चाहिए या करियर काउंसलर की कौन सी क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंसेस देखना चाहिए? हाउ कैन वन रीच टू द राइट वन दैट इज मेड फॉर देम? सो व्हेन यू कॉल, व्हेन यू सी द वर्ड करियर काउंसलर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलर अवेलेबल. ओके. देयर आर सम हु आर प्योरली टेलिंग यू व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी. ओके. There are some people who are have an expertise of sending you international. Correct. There are some people who are excellent. They are called admission counselors who can only give you admission in whichever college you want. Guaranteed admission. There are people who are coaches who don't tell you anything about the career which one you should choose, but tell you that these are your strengths, these are your weaknesses. How do you manage them and capitalize on your strengths? So a career coach is somebody who would be handholding you throughout. Okay. Right now, a best career counselor for you actually it is somebody who has an understanding of psychology. Okay. Okay. It is important that the counselor understands the child. Also, is has certifications to do what they are doing. Many a times you see that people just from the internet they find out some information and they just go ahead with it, because when it comes to a counselor, they have to understand the test, the understand the psychometric test. If you see, the testing will give you numbers. Now, how do you correlate those numbers? There are different tests. So how do you bring them together, connecting the dots? That completely depends on the skill of the counselor. Correct. So ek report, ek counselor agar jaise padhta hai, zaruri nahi ki har sare counselors usko same tarike se padhe. Analyze karne ka tarika alag hota hai. Aapko ye bhi dekhna hai ki counselor kis cheez pe apni analysis base karta hai. Is it only on the psychometric test? Then I would say think more, because it's important that the counselor should ask you questions. Correct. Who you are as a person, understand your family dynamics, understand how much your parents can spend in your career education. घर में और कितने बच्चे हैं जिसके बोलों पे खर्चा करना है. तो it is about all of that. It is also important that the counselor talks to the child personally and gives support later on also. It should not be like it's one time session and then I don't know. No. बहुत बार बच्चे बहुत जल्दी करा लेते हैं करियर काउंसलिंग, बट उनको हेल्प लगती है आफ्टर 10th और आफ्टर 12th. यस. सो द काउंसलर शुड बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट फ्रॉम देन फोर्थ. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू लर्न. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द राइट सर्टिफिकेशंस. एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट. टॉक टू पीपल हुम द काउंसलर हैज ऑलरेडी काउंसल्ड. करेक्ट. लुक एट द टेस्टिमोनियल्स, लुक एट द रिव्यूज व्हाट पीपल से, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट सिट्स वेल विद यू. यस. What you actually want. जैसे ENT specialist है या general physician है, जैसे हम doctors choose करते हैं, उस हिसाब से आपको वो जो category आपकी है उस हिसाब से आपको career counselor choose करना है. और मैम, अगर कोई career counselor के पास जाना चाहते हैं तो basic minimum to maximum क्या fees parents expect कर सकते हैं? बहुत sessions broad spectrum है actually. Yes. But what happens is जो लोग बल्क में करते हैं वो 2000 में भी करते हैं. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हाउ गुड दे आर और नॉट, बट देर आर थिंग्स अवेलेबल इन 2000 रुपीज ऑल्सो विद रेंजेस अप टिल 25,000 ऑल्सो. ओके. एंड दिस इज अ पैकेज और पर सेशन? इट इज अ पैकेज. पैकेज. ओके. तो मतलब
बस ऑडियंस को ये बताना चाह रही थी कि जब अगर क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कुछ झिझक ये रह जाती है कि पता नहीं कितना महंगा होगा, कितना लेंगे इसे आदि, इस चीज के लिए लोग अप्रोच नहीं करते. सो एक 2000 से लेके 25,000 के पैकेजेस में करियर काउंसलिंग वेरी करता है. मैम मैं दूसरा ये पूछना चाह रही थी कि करियर काउंसलर और मेंटोर में क्या फर्क, व्हाट इज अ थिन लाइन? सो अ करियर काउंसलर इज समबडी हु कैन शो यू द वे, शो यू द डायरेक्शन. ओके, दैट लाइक सेज फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजी पढ़ लो. मेंटर वो होते हैं जो साइकोलॉजी के आपको न्यूएंसेस बताएंगे कि ये आप करोगे तो ये होगा, ये आप नहीं करोगे तो ये होगा. ओके, अगर आप साइकोलॉजी में कौन सी स्ट्रीम में ज़्यादा स्कोप है, एक अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डू यू लर्न साइकोलॉजी, हाउ डू यू गेट इन्वॉल्व विद साइकोलॉजी. A counselor cannot really tell you that. Counselor can tell you how to become a career counselor, what are the plus and minuses of becoming a career counselor. But it is, when it comes to that particular stream, that particular profile, it is great that aap counselor se data leke, you get into that profession and then find a mentor who helps you learn the tricks of the trade. Correct. So that will teach you how do you get your goals faster, how do you smartly handle things rather than reinventing the wheel again. Correct. So that's where mentorship comes in. Once when after you have chosen a career. Absolutely. Correct. और मैम जैसे मैं हमने टीनेजर्स की तो बात की कि उन्हें कौन सी गाइडलाइंस चाहिए, पेरेंट्स के लिए आप क्या गाइडलाइंस सजेस्ट करेंगी? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज और स्ट्रेस पेरेंट्स होते हैं. क्योंकि टीनेज एक ऐसा एज होता है जहाँ बच्चे ठीक से पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट भी नहीं करते. एक कम्युनिकेशन गैप आ जाती है उसमें. अब टू कोक्स किड्स की हम काउंसलर के पास जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे इस डेलिकेट फेज के लिए? सेलिब्रेट योर चिल्ड्रन, हूएवर दे आर, हाउएवर दे आर. ऑल्सो लिसन, टॉक लेस लिसन मोर. वी हैव टू लुक एट इन अ डे द नंबर ऑफ टाइम्स यू टॉक टू द चाइल्ड. व्हाट आर यू टॉकिंग? आर यू ओनली टॉकिंग अबाउट कि ये प्रोजेक्ट का सबमिशन बाकी है, ये टेस्ट आ रही है, ये मैंने तेरे को पढ़ने बोला था, ये पढ़ा कि नहीं? तो आपका जो रिलेशन है आपके बच्चे के साथ वो डेप्थ में नहीं जा रहा है. सो एंड देन यू नो ऑब्वियसली द चाइल्ड इज गोना फील नैक्ड. उनको लगेगा कि ये तो मम्मी खाली यही बात करती है, तो और तो क्या कनेक्शन क्या है? पढ़ाई समथिंग विच आई डोंट लाइक, उस चीज़ पे कैसे कोई कनेक्ट कर सकता है? सो लुक एट बच्चे को क्या पसंद है. आप साथ में कोई एक्टिविटी कर सकते हो क्या? अगर उनको एक मूवी देखनी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इज़ इट नॉट ओके टू जस्ट remove that 2 hours and just be with them, and they also feel that okay, mom is including me into it. She's under, I know that she does not like it, but she's doing that for me. So it is very give and take. Yes, the child, I mean, I don't say it is transactional, but you know, you are teaching the child that you are important to me and I can bend some certain things here and there for you. And I feel that just be with them, celebrate, listen more and bond more. बियॉन्ड अकेडमिक्स बहुत सारी चीज़ें हैं. आप अगर अभी पीछे देखोगे, फ्रॉम लाइक आई एम 43 एंड आई एम लुकिंग बिहाइंड, आई फील दैट देर आर सो मेनी एरियाज वेर आई कुड हैव बॉन्डेड विद माई मदर. माई एंड माई मदर ऑल्सो फील्स एट द सेम. शी डज नॉट नाउ, तो उसको याद भी नहीं है कि मेरी मतलब कब मैं फेल हुई थी या उस चीज़. हम कितनी बड़ी बना देते हैं कि हाँ मैथ्स में रेड लाइन आया एंड इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि 10 दिन बात नहीं की किसी ने घर पर. तो इट इज वो चीज़ें याद रह जाती है यार बच्चों को 50 साल तक 60 साल तक वो याद रहे कि ऐसा किया था. उससे अच्छा कि चल ठीक है तो फेल हो, आइसक्रीम खाने तो चलते हैं, आइसक्रीम तो बनती है, यू डिड समथिंग एट लीस्ट, सो इट्स ओके. जब अगर मैंने ये अप्रोच रखा तो माय मदर विल स्टिल बी शॉक टुडे. दैट इज ऑलवेज गोना हैपन. क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की पेरेंटिंग अभी तक खत्म नहीं होती. वो अपने बच्चों को अभी भी, इवन इफ आई एम 43, माय पेरेंट्स आर स्टिल पेरेंटिंग मी एंड दे आर पेरेंटिंग माय चाइल्ड आल्सो. So I think वो generation का parenting कभी खत्म नहीं होता. That is true. And it is very natural. Yeah, it is care. It is care. Yeah. If you take it in the right perspective. Right. So it is also how you are upbringing your child to understand their perspective. It's not necessary that it's always about following or listening to them. It's about talking and maybe just giving them a ear that okay, I do listen to you. This is fine. But this is what I want to do. So communication, I think, is the ultimate rule of any relationship. Yeah. Talk. Yes. Discuss. Talk and कहीं ये बच्चों को confidence देना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि mistakes सब करते हैं. हाँ. हम भी करते हैं लेकिन बस हम हमारी mistakes बच्चों के साथ share नहीं करते. नहीं करते. तो हम बच्चों, क्योंकि हम parents हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों के सामने एक perfect
सिनेरियो रखना है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज परफेक्ट, बट कहीं ना कहीं अगर आप ये बच्चों को बोलो कि आप मिस्टेक्स करोगे तो भी चलेगा, आई एम हियर, वी कैन यू नो करेक्ट इट टुगेदर. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव बॉन्डिंग एंड अ स्पिरिचुअल वन. एब्सोल्युटली, चिल्ड्रन डोंट वांट परफेक्ट पेरेंट्स. आई डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग देयर. या दे वांट रियल पेरेंट्स. यस, दे वांट रियल पेरेंट्स हु हैव मेड मिस्टेक्स एंड देन करेक्टेड देयर मिस्टेक्स. करेक्टेड देयर मिस्टेक्स. सो इट्स एंड इट इज वेरी ह्यूमन टू डू ऑल ऑफ दैट, राइट? नोबडी इज परफेक्ट एंड इवन दे नो इट. Yeah. But it's better that we put it across to them that, you know, this is what I had done. And let them learn from your experiences. You can only be a guiding light to them. Yeah. Parenting nowadays is more about celebrating the children. Yes. It is not the responsibility of a parent to make sure that the child is successful. It is not, does not come into the umbrella of parenting. It's about accepting. It's about accepting. It's about teaching your child how to be happy. Yes. It's about making your child ready for the world. Yeah. Right? In every aspect, not just career. Absolutely, every aspect. Handling rejection, handling emotion, how do you manage your emotional quotient? How do you handle a breakup? Yes, how do you handle a relationship? Exactly. So all these things are very much bigger when it comes to looking at a career and all of this. So it's important that we teach them these things. Yes, क्योंकि ये parallel ही चलते हैं. बिल्कुल चलते हैं. अगर आपका personal life ठीक है, तो आपका career भी ठीक जाएगा. अगर personal life थोड़ा में आप disturbed हो, तो उसका reflection career पे तो होगा ही होगा. Yeah. So it's better that we teach them life skills. Yes. Rather than just teaching them maths and science. Yeah. Yeah. No, it's absolutely right. Yeah. You know what you said, I completely agree with it. और बहुत पेरेंट्स हैं जिन्होंने कोविड में काफ़ी अपने बिजनेसेस पर, अपने करियर पर उन्होंने सेटबैक्स महसूस किए हैं. देयर मैनी ऑफ द फिनेंशियल इंडेक्सेस हैव गॉन डाउन, जिनके वजह से उन्होंने बच्चों को रिक्वेस्ट किया है कि शायद तभी जो करियर प्रॉमिस किया होगा, आज वो फिनेंशियल परिस्थिति नहीं है कि वो वही करियर पाथ को सपोर्ट कर सके. तो जैसे अपने पेरेंट्स के लिए कहा, आप टीनेजर्स को क्या कहेंगे कि अगर पेरेंट्स उनके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब फिनेंशियली हम वैसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तुम्हारे करियर एस्पिरेशंस को, सो कैन वी टोन इट डाउन अ बिट? सो आप आते हैं, आपके लिए आते हैं कभी ऐसे केसेस? एक दो आए हैं डेफिनेटली आफ्टर कोविड, पर्टिकुलरली हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एंड हु हैव स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. I feel that students or children nowadays are more adaptable, more practical. But there are students who have given a tough time to their parents. Yeah. For them, I would say that it's not, the parent is not, it's not, does not fall into the responsibility that okay, हम आपको यही कराएंगे. कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है. It is about to understand that you also belong to the same family. Yes. So. I agree that हम सब ऐसे ही बड़े हुए पेट कार करके, हमने पैसे जमा करके पढ़ाई की है, but that does not hold true completely now because we have a lot of other things to take care of. When it comes to like starting all over again, the parent is focused on making sure to meet the basic needs of the family. Correct. Basic medical facilities and all of that. Which are also expensive. Which are also expensive. But if you still want that career, why would you not really struggle for that and get that scholarship which can actually get that career? So there are ways. Okay, if you look into the internet and you find out that okay, I want to do this, so it's going to be a difficult, okay, start working, help your parents, and hard work will make you reach to that scholarship. There are loans which are available which the students can take. So there are a lot of support otherwise which is possible, and we can make things happen. Yeah, it's not like it's completely not a closed down, but ha. कभी-कभी रास्ता चेंज करना पड़ता है. रास्ता चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम हमारी मंजिल चेंज नहीं होती. करेक्ट, करेक्ट. We just do it in a different way. मैम, आप एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हैं. जब आप सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो बिना एनी क्रेडिबल क्वालिफिकेशन के बिंदास करियर एडवाइस और फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो आपको ये देखकर क्या लगता है? और लोग उसे फॉलो भी करते हैं, उनके मिलियन फॉलोअर्स भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कम्प्लीटली रॉन्ग होता है. It is a good way to quickly get information. Correct. But आप उस पर आँख बंद करके rely ना करें. I would suggest that आप अपनी research करें. You find out, reach out to that course and find out कि भाई ये है भी कि नहीं. क्योंकि बहुत बार हम universities में बहुत लाखों के पैसे भर देते हैं, but that university actually is fake. Correct. A lot of cases which are happening. Yeah. So more than even in India and even internationally. So
ये चीज़ों को आप चेक कैसे करोगे? यू नीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क समवन, डू योर ओन रिसर्च. यहाँ बैठ के वहाँ की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल. सो वो आप बस फॉलो करते हो कि हाँ ये लिंक दिया है इन्फ्लुएंसर ने, इस पर क्लिक करो, फॉर्म भरो, पैसे भरो, एंड इट इज़ डन. यू विल गेट एन एडमिशन, बट दैट्स नॉट गोना बी अ रियल एडमिशन. करेक्ट. So it's important that you research on your own, you find out. On that note, Doc, there was this news, someone from a news career, very, very well-known name, who was duped in the name of Harvard University. Yeah. If it can happen to her. Happen to her, exactly, yeah. With legit emails from the university and there was nothing like that. Yeah. So I'm sure ये जो आप बता रही हैं वो ये होता है बहुत बड़ा बहुत it's a big time thing. So it's very important that whenever you are doing your applications, you are well versed with what you are doing. You're going on the official sites. You know if there is an secure mark on the website or no. It's very important to check these little things. And if you feel that you are not versed with this, reach out for help. Yes. Rather than losing a lot of lakhs, it's okay to lose some thousands and go the right way. Yes. Yes. So hota hai, definitely it's a huge scam which is happening in the education places. Particularly target the samne se aapko phone karke bolte hai ki aapko hamare college mein admission mil raha hai, and the bachcha jo yahan wahan tarbatar bhatak raha hai uske liye to ye matlab aise मतलब लाइट लिख जाते हैं. ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बोलते हैं आपको 50 लाख का लोन मिल सकता है, बस लिंक क्लिक करो और ओटीपी दे दो. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू So it's better that you know you go through that tried and tested and do your good enough research. Correct. So. Correct. Vinod, you're also a mother to a teenager. Hmm. So I know आप बाकी teenagers को guide करती हैं, लेकिन कभी-कभी हम बाहर guide करते हैं और घर में थोड़े से कम पड़ जाते हैं. तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, दिया तले अंधेरा. हाँ, so you know because she knows what all I can offer, so it is like you know I don't want to get my counseling done from you because it will be very biased. You will only tell me what you want me to do. Correct. So she does reach out to different people and ask things. Really? Yeah, and I feel like oh my god. Okay, but that's her way and I would like to let her be because it is important that she's taking an informed decision. Yes. And not just following what I tell her to. Yes. So definitely ye to hota hai. एंड हमारे भी उतने ही झगड़े होते हैं, बट हाँ हमारा कम्युनिकेशन होता है दैट सी दिस इज़ व्हाट आई डिड. इट इज़ वेरी आई मीन फॉर मी सॉरी कम्स वेरी नेचुरली. ओके, फॉर मी इट्स नॉट लाइक इट्स हर और समबडी एल्स. सो हू सेज़ द सॉरी फर्स्ट? डिपेंड्स, इट्स एक्चुअली बोथ वेज. ओके. सो या बट वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो दैट्स व्हेयर आई फील दैट यू नो कम्युनिकेशन रियली हेल्प्स पेरेंट्स टू नॉट बी टॉकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर. करेक्ट. Or authority. Yeah. In a family, when you are there, be it bacha, be it dadi, be it mom, be it nani, you are equal. Correct. If a mother can tell you that what you are doing is wrong, a child can also tell you that this is not okay the way you are talking to me. Yeah. Or what you are doing is not right according to me. And then have a discussion. Correct. And I feel that for me, after my daughter, I have been an awakened person where she tells me that no, what you're doing is wrong. Yeah. So but you know, actually, आज के teenagers हमें updated रखते हैं. हाँ. काफी चीजों के बारे में. काफी चीजों में. काफी चीजों में. So YouTube पे क्या चल रहा है? What is trending? Fashion में क्या चल रहा है? हाँ, बिल्कुल. Very much. Fashion तो is like really awesome. No, but it's remarkable. Also, जाते-जाते विवरण में सिर्फ आपसे एक बार ये पूछना चाहूँगी कि आज की जनरेशन ये हो गई है ना, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, अब हम सिंगल पेरेंट पे आ गए हैं. तो कहीं ना कहीं बच्चे ये फैमिली एटमॉस्फेयर से बहुत दूर जा रहे हैं और कहीं उनकी ये सोच बन गई है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, आई डोंट वांट टू हैव अ रिलेशन, आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन माई करियर. तो ये जो थॉट प्रोसेस है कि वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं करना है इसलिए सिर्फ वर्क करना है, तो ये कहाँ तक वो सही है? How much importance of a family or a marriage or a relationship is important to enhance your career, to have more productivity in your career space? You can get a very subjective answer because, you know, when it comes to marriage or when it comes to work, I'm pretty sorted on that front. But I would say that let the child go ahead with what he or she is thinking because it is based on their experiences, what they have thought. Definitely they have thought something very logical around that, and that's why they are saying something like this. It's just not like they are following somebody and they want to do that.
eventually I feel that gradually they will feel a need to do things, a need to, you know, get better, a need to find a compatibility, find a partner. And it's okay, whenever, whatever age you decide to do that, go ahead and do that. So I would say do what your heart follows at that moment in time. Okay. Yeah. And spirituality? Spirituality for me is a little different. I would say spirituality is looking within. Okay. Spirituality is being real and being transparent in who you are. Okay. If you are really honest in what you are feeling at that particular moment with that particular person, and you know how to say it. And honest with your career. Honest with your career. Yeah. I mean, आपको जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं अगर आपको शिद्दत से करो, yes. then success has to kiss your feet. I believe that there has to be you know, a proper love between the career and you. It is okay to over deliver. It is okay to, you know, be passionate and keep on working because you're finding fun, you're finding joy. Yes. So look at joy as the ultimate need and not money. I feel that money is definitely a byproduct. If you're feeling happy and you're feeling that you made a difference in whatever you're doing, go ahead and do that. Yeah. Mera apna at workplace ek mantra hai. Hmm. Situations will change, ethics can't. Lovely. Wow. I think, yeah, so that कभी कभी आते हैं ना ऐसे situations कि आपको लगता है थोड़ा सा तो कर लूँ तो निकल जाएगा, बिल्कुल, पर वो आगे जाके कब कहाँ निकलेगा पता नहीं, पता नहीं. बहुत बार ऐसे होता है, you know, when you have connections with lot of colleges across yes. India, shortcuts that parents are ready to pay, children want the parents to pay, that आप मुझे इतने पैसे डाल दो मेरे को मिल जाएगा admission, क्यों पढ़ा रहे हो मुझे. Somehow I just, you know, बहुत बार मुझे भी ऐसे लगा कि, you know, it is like, you know, in 5 minutes you are earning like 1.5 lakh yeah, rupees. Yeah. Is it, but is it worth it? Yeah. So, because if the child is not ready to work hard for that college, is he going to do justice to the profession? Correct. And we want good, happy people who are working, right? So that's where वो काम की तरफ वो शिद्दत आएगी, काम की तरफ वो passion आएगा, and passion is only going to take you places. Yeah. And success happens. थोड़ा late होता है, बहुत patience रखने की ज़रूरत होती है, और ups and downs तो होते ही होते हैं, so you have to be prepared for that. Absolutely. बहुत से बड़े-बड़े लोग भी reject हो जाते हैं. Hmm. So you have to handle rejections. They are just a part of life. Absolutely true. I agree with you so much. But yeah, success is sweeter. तो हमें लगता है कि हमें बस हमेशा हमेशा वही मिले, टॉप पे ही होना चाहिए. Vinay, it was so lovely speaking to you. Thank you so much. I mean, आपसे बात करके मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं भी आऊंगी आपके सेशन के लिए टू अंडरस्टैंड. कहीं ना कहीं यू नीड टू मेक पीस विथ योर करियर. कभी कभी आपने राइट चॉइस किया है, लेकिन शायद फिर भी आपको लगता रहता है कि नहीं, और ये किसी भी ईयर में हो सकता है, मे बी इन योर 20th ईयर और मे बी इन योर 45th ईयर. ट्रू. But just understanding and, you know, can really increase your productivity at workplace. Hmm. I just believe that. Absolutely. And making workplace worthwhile for others also. Yeah, a happy place to work. Yes, क्योंकि आपकी positivity से बाकी लोगों पे भी बहुत असर पड़ता है. So I think yes, and with that positivity, here's a little token of love from me and my team. Thank you so much for this. Yeah. Thank you so much. It was an enlightening conversation. It was lovely to talk to you, and it is great to have this platform to reach so many individuals. कि मैं इतने सारे लोगों को बता पाऊँ कि यार, you know, there are a lot of different things which you can do. Yes. And it's amazing to reach out to such an audience. Yes. Thank you so much. Reach out, and ma'am, when you need help, seek help. Of course. That's what it is. Yeah, help is available. Just ask for it. Yes, like you said. ऑन दैट नोट, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं. मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड के लिए. तब तक नमस्कार.